हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? पता है, यूट्यूब पे इतना गंद मच गया है ना, और हम मतलब एक दो लोगों को बोल दिए थे, तो हमें इतनी गंदी गंदी वर्ड बोल रहे हैं लोग। मतलब हर कोई ना, और सारे तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, बस एक ही दो लोग हैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अगर हम लोग अश्लीलता नहीं ख़त्म करेंगे ना, तो यूट्यूब पे पूरा अश्लीलता। और एक बात तो सही है, एक बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह से यूट्यूब पे पता चल गया, शरीफ शरीफा से कितना भी बंदा वीडियो बनाए ना, कितना अच्छा अच्छा वीडियो बनाए ना, उसका ना तो यूट्यूब वाले भैया वायरल करते हैं, ना पब्लिक वायरल करती है, और कोई नहीं वायरल करता। लेकिन जो गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं, मतलब गंदे गंदे हरकत कर रहे हैं लोग, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, उन लोगों का यूट्यूब वाले भैया भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक भी पसंद कर रही है, तो लोग क्या करें? उन्हीं लोग का गलती है, हम लोग का गलती नहीं है। हम लोग का भी गलती है, हम लोग भी तो उन्हीं लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ने इस बारे में एक बारी और वीडियो बनाई थी, पर छोटा सा बनाई थी, लेकिन इस बारे में मेरा मुद्दा यही है कि आप लोग अश्लीलता बंद करवाइए। और कुछ नहीं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कपड़े निकल निकल के अब वीडियो बन रहा है। अभी तक तो खाली सारा हो रहा था और कुछ हो रहा था, ये अब तो साला कपड़े भी निकाल के सारे वीडियो बना रहे हैं। कोई और नहीं उन्हें वो सपोर्ट कर रहा, हमारे आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब वाले भैया, उन लोग को चैनल पे आप ज़्यादा व्यूज मत दीजिए, ना उनका चैनल मतलब वीडियो वायरल करिए, फिर अपनी आप अश्लीलता बंद हो जाएगा। एक सोनी मोनी और पता नहीं कौन कौन, दो तीन और थी, अब देखो कि मतलब लड़कियां भी ऐसे गंदे गंदे इशारे कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी भी हुई है वो इतना गंदा गंदा, ये नहीं सोच रहे हैं पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाजा नहीं है उन लोगों को। अब के ज़माने में तो हर एक बच्चे के पास, छोटा बच्चा हो 10 साल का नहीं होता तभी सबके पास फ़ोन आ जाता है, इसी डर की वजह से कोई अपने बच्चे का फ़ोन भी, हम लोग तो नहीं देना पसंद करते हैं अपने बच्चियों को फ़ोन, क्योंकि ऐसे गंदे गंदे सारे वीडियो बना रहे हैं बच्चे हैं, कहीं किसी का नज़र पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए, फिर क्या होगा? तो यूट्यूब वाले भैया जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं, जो अच्छे कपड़े पहन के वीडियो, कपड़े कपड़ा नहीं खराब है कपड़ा, हाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कपड़ा कैसे पहनते हो। मॉडल मॉडल कपड़ा चला वो भी पहनो, ये बात नहीं है कि कपड़े में कोई बुराई नहीं है, कपड़ा तो मतलब हर कोई पहनता है, कपड़े में बुराई नहीं है, बुराई तो सबके सोच में है। लोग जिस तरह से साड़ी पहन के, साड़ी को भी बदनाम तो कर रहे हैं, साड़ी ऐसी चीज़ है कि अच्छे से पहन लो ना तो कितनी कितनी भी ख़राब लड़की रहे बहुत क्यूट लगती है, लेकिन साड़ी पहन ले रही हैं, गंदे गंदे इशारे कर रही हैं, सो देख के ना तो दिमाग मेरा वैसे मतलब पागल हो जाएगा। अगर कोई बोल दे रहा है तो लोग उनके सपोर्ट से गाली दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो अगर हम और आप नहीं उन लोग को रोकेंगे ना, तो मैं नहीं लगता कि यूट्यूब पे अश्लीलता बंद हो, ऐसे ही रह गया ना तो देख लेना कभी यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। अगर यूट्यूब बंद हो गया तो कितने लोगों का ना रोजी रोटी चला जाएगा, ये भी सोच लेना। नहीं, आज तो यूट्यूब है, चलो गंदे गंदे वीडियो बना रही हो, कल के यूट्यूब बंद हो जाए लोग क्या कहेंगे? ये इसके बारे में कभी सोचा है? अब कहोगे कि लोगों से मतलब नहीं, अरे लोगों से नहीं मतलब, चलो अभी सोशल मीडिया कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हो, अगर कहीं कल के यूट्यूब बंद हो गया फिर क्या? इज्जत तो रह जाएगी, इज्जत चला जाएगा, मुंह दिखाने लायक रह जाएगी, इसे किसी से नजरें मिला के बात नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है? जो जो गंदे वीडियो बना रहे हैं ना, सुधर जाओ, और कहीं मेरे सामने पड़ जाती ना ऐसे तमाचा मारते कि जिंदगी में याद करती, ठीक है? अरे अच्छे से वीडियो, हम आज सोनी मोनी का दो वीडियो बनाए हैं अपने मोबाइल पे, मतलब कटिंग करके डाले हैं उसमें, वो ना गंदे इशारे की है, ना कोई गलत मतलब कुछ भी नहीं गलत की, इतनी सुंदर भी लग रही है, और इतना उस पर ज़्यादा व्यूज भी आया है, मतलब अच्छे से वीडियो बना रही है वो, शायद लग रहा है धीरे धीरे वो सुधर रही है,
लेकिन 5-6 लोग हैं ना, हमें नहीं लगता कि वो लोग सुधरेंगे। 5-6 लोग नहीं और होंगी। कल देखे मालती भाभी उन लोगों के ऊपर वीडियो बनाई, कुछ लोग और बना रहे हैं, अब बड़े यूट्यूबर भी बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और क्या बोलती है, अरे मेरे हस्बैंड ना रोके तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। क्या कर लेंगी, ज्यादा से ज्यादा गाली देंगी, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाओगे आप लोग। और जो वीडियो आपका बना के डालेगा उस पर स्ट्राइक मार दोगी। ठीक है, तो यूट्यूब वाले भैया आपको भी दिखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लोग। उनका वीडियो स्ट्राइक मारिए, उन्हें तो उनका चैनल बंद करिए। एक दो लोगों का अगर आप ऐसे कर दिए ना, तो देख लेना अश्लीलता बहुत जल्दी ख़त्म होगी। ठीक है, और जो मेहनत से वीडियो बना रहे हैं ना, उनका सपोर्ट करिए। ये नहीं कि जो गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं उनका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जनता भी, यूट्यूब वाले भैया भी, सारे कुछ कर रहे हैं। और हम जैसे लोग इतने वीडियो बनाए, हम 2-4 लोगों को देखिए इतना इतना ज़्यादा वीडियो बना दिए है ना, लेकिन बेचारी का ना तो कुछ भी नहीं हो, हमारे जैसे हमारा वैसे उन लोगों का भी। कोई चाहे कितना नाक रगड़ लेना, लेकिन आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क भी क्यों पड़ेगा, जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, गंदे गंदे सारे करते हैं, उन लोगों का सपोर्ट करेंगे कि जैसे शरीफ लोग वीडियो बना रहे हैं उनका सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों से यही कहना था, अगर कोई गलती होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग साथ देंगे तो यूट्यूब पे गंदगी बंद हो जाएगी, अगर नहीं साथ देंगे भाई तो यूट्यूब पे गंदगी मच जाएगी और मचेगी, देख लेना आप लोग। एक एक बंदे से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, ये भी सोच लीजिएगा आप लोग कि एक बंदा भूखे, उसके बाद में यूट्यूब पे अश्लीलता बंद हो जाएगी तो नहीं बंद होगी, ये भी सोच लेना। अगर सारे आवाज़ उठाएंगे ना तभी अश्लीलता बंद होगी, आप लोग याद रखिएगा।